आंवला, सौंफ, मुलेठी, अश्वगंधा, सितावर, ये पांच ऐसी बहुमूल्य औषधियां हैं जो कुदरत ने हमें दी है। अगर आप इन औषधियों का उचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो पशुपालन व्यवसाय में आपको लाभ ही लाभ है। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी गाय की, भैंस की कीमत उसके अडर के साइज, जो उसका चड्डा होता है, लेउटी होती है, उसके अच्छे विकसित साइज के अनुरूप ही आपको कीमत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु के अडर का साइज, लेउटी का साइज अच्छा विकसित हो, तो जो मैं आपको ये औषधियाँ बता रहा हूँ, इन औषधियों का आप उपयोग कीजिए। इनका उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशुओं के काफ़ी अच्छा अडर का साइज विकसित हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये औषधियाँ हमें अपने पशुओं को कितनी मात्रा में खिलानी है और कब खिलानी है। वो सब बातें बताने से पहले मैं आपको एक और विशेष महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जो मैं आपको औषधियाँ बताता हूँ, इन्हीं औषधियों से हमने हमारी फैक्ट्री में एक पाउडर तैयार किया है। मैं आपको वो पाउडर भी दिखाना चाहूँगा, ताकि अगर आपके क्षेत्र में वो जड़ी बूटियाँ ना मिले तो आप हमारा वो पाउडर यूज करके अपने पशुओं का अडर का साइज, लेउटी का साइज विकसित कर सकें। दोस्तों, ये है हमारा वो पाउडर, पशु रतन का अडर पाउडर, पंचरतन भी इसको बोला जाता है। इस पैकिंग में आपको ये मिलेगा। आपको करना क्या है, जब भी आपके पशु की एक महीना, जब भी आपके पशु का डिलीवरी का एक महीना रह जाए, एक महीने पहले आप इस पाउडर का उपयोग शुरू कर दीजिए। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को। अगर आप थोड़ी मात्रा में 25 ग्राम देसी घी के अंदर मिला के देंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु के अडर का साइज कम से कम पिछली बार से डबल विकसित हो गया। और अडर का साइज अच्छा विकसित हो जाएगा तो आप लोगों को पशुओं की अच्छी कीमत मिलेगी। तो पशुपालन व्यवसाय में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन जड़ी बूटियों की। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं मिले तो आप उन जड़ी बूटियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जड़ी बूटियों का प्रयोग कैसे करना है, आप बाज़ार से सभी औषधियाँ लगभग 600-600 ग्राम ले कर आइए। आपके पास 3 किलो औषधियाँ हो जाएंगी, उनको आप अच्छे से बारीक ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करके 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को थोड़ा सा घी मिला के खिलाइए। कंटिन्यू एक महीना लगातार, डिलीवरी से एक महीना पहले आप शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पशु का जो अडर का साइज है वो काफ़ी अच्छा विकसित होगा। धन्यवाद।